अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको ड्रोन को रेडी करने का तरीका सिखाएंगे कि इसे रेडी करने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो जी हम आपको दिखाएंगे, इसमें आते हैं चार पर, जो दो ग्रे कलर के होते हैं और दो ब्लैक कलर के होते हैं, सिल्वर कलर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके पर लगाएंगे कि कौन सा पर किधर जाना है और कौन सा पर किधर जाना है। सबसे पहले ये इसके ऊपर ये लॉक बना होता है, अगर राइट की तरफ है तो राइट की तरफ लगाना है, अगर लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट की तरफ लगाना है। तो ये इसका राइट की तरफ है, इससे पहले हम ये ब्लैक पर लगाएंगे। इसे थोड़ा सा दबाना है और दबा के लॉक कर देना, ये लॉक हो गया। और ये जो दूसरा, ये लेफ्ट की तरफ है, इसे लेफ्ट की तरफ ले जाना है, इसे थोड़ा सा दबा के और लॉक कर देना है। ठीक है, तो आज हम आपको मुकम्मल ड्रोन रेडी करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, ये जी हमारे पर जो है ना बिल्कुल ओके हो गए लग गई। उसके बाद ये बैटरी है, इसे बैटरी को लगाना है। ये दो इसके लॉक है, इसे बैंड करके इसे ऐसे इसके अंदर दबा देना है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल ड्रोन जो है ना अभी पर भी लग गए, बैटरी भी लग गई। और ये रहा इसका रिमोट, इसे ओपन कर लेना है। इसे ऑन करने का तरीका, इसे ऑन करना है। ये हमारा ड्रोन रिमोट ऑन हो गया। और ऐसे ही इस बैटरी को ऑन कर लेना है। ये हमारा ड्रोन भी ऑन हो गया और ये हमारा ड्रोन इस टाइम बिल्कुल रेडी है। ठीक है, और जिन जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी डेली नई वीडियो आने वाली आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में इसे फ्लाई करने का तरीका सिखाया जाएगा, किसे फ्लाई कैसे करते हैं और फ्लाई में कौन कौन सी चीज़ों में ध्यान रखना पड़ता है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।